हेलो, गुड मॉर्निंग। और सुबह के 7 बजे हुए, तो अभी मैं निकल रहा हूँ भीमताल को। एक छोटी सी राइड है यहाँ हल्द्वानी से भीमताल के लिए उत्तराखंड में। इस लॉकडाउन में देखते हैं सुबह सुबह, जैसे एक उत्तराखंड में, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1 बजे तक आप लॉकडाउन में जा सकते हैं सिंगल बंदा ही, तो एक ट्राई कर रहा हूँ छोटा सा। और मौसम अभी अच्छा है, धूप निकली हुई है, बाइक खड़ी है। जाने से पहले मास्क, बैग रेडी है, हेलमेट रेडी है, तो आगे की बातें रोड पे करते हैं। चल दिए, गाड़ी स्टार्ट है। यो, पहुंच चुका हूँ काठगोदाम। मैं यहाँ से, आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखे होंगे, तो यहाँ से काठगोदाम है लॉकडाउन में। अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी आप 1 बजे तक सिंगल हैंडल, सिंगल बंदा एक बाइक पे या टू व्हीलर पे सिंगल बंदा घूम सकता है, मतलब किसी ज़रूरी काम से। तो मैं भी किसी ज़रूरी काम से ही जा रहा हूँ भीमताल में, तो इसीलिए ही मैं ये लॉकडाउन में राइड कर रहा हूँ। फर्स्ट राइड है मेरी ये लॉकडाउन के अंदर, तो ये है काठगोदाम। और देखिए, आप देख सकते हैं एकदम खाली है रोड, कोई भी गाड़ी नहीं चल रही है, और जो भी जा रहे होंगे वो इमरजेंसी वाली हैं सारी गाड़ियाँ, अपने इमरजेंसी काम के लिए जा रहे हैं सब लोग। तो ये अच्छी चीज़ है कि उत्तराखंड में केस कम है, जिसकी वजह से अलाउ किया गया है 1 बजे तक आप अपने इमरजेंसी काम कर सकते हैं। ये देखिए, पुलिस वाले खड़े थे, देख रहे हैं। मैं सोच रहा था रोकेंगे मुझे, बट अभी 1 नहीं बजा है, मॉर्निंग का टाइम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे साथ कोई बैठा नहीं है, मैं सिंगल ही जा रहा हूँ, जिससे कि मुझे कोई परेशानी नहीं है जाने के लिए। रफ्तार पकड़ो आप, देखना कितने बजे तक मैं भीमताल पहुँचता हूँ, और क्योंकि मुझे वहाँ से वापस भी आना है 1 बजे से पहले ही, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। रास्ते में बात करते हैं आपसे। इधर हल्द्वानी है, पहाड़ों पे राइड करने का अपना अलग ही मजा है। ये भीमताल वाली रोड है, और अभी मैं कुछ 10 किलोमीटर चल चुका हूँ। लॉकडाउन का पालन करो। लगभग 15-20 किलोमीटर ऊपर चल आ गया हूँ मैं, और थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस होने लगी है। पहाड़ों का ये जो हवा चलती है, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये जो पहाड़ी है, की रोड, अभी मैं उस पहाड़ पे जाऊंगा, टॉप वाले पे, जहाँ पे दिख रहा होगा आपको वो सामने वाला पहाड़, उस पे मैं चढ़ूंगा। और यहाँ से दिखा रहा है हरिनगर भीमताल, 9 किलोमीटर। अच्छा, वो जो पीछे था वो 10 किलोमीटर था, तो यहाँ से है भीमताल 9 किलोमीटर। तो जैसे जैसे अभी मैं और ऊपर जाऊँगा, ठंड और बढ़ेगी। हालाँकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, और धूप भी खिल रही है, बढ़िया है। काफ़ी टाइम बाद राइड कर रहा हूँ पहाड़ों की, और ये विंडशील्ड है, इससे थोड़ी सी हवा चेस्ट पे नहीं लग रही है, तो ये थोड़ा सा ठंडी हवा से बचा रहा है मुझे, तो ठीक है, बढ़िया है। अभी लेके गया हूँ, और अभी स्पीड बढ़ाते हैं। ये जो है सरकारी, उत्तराखंड सरकार की गाड़ी जा रही है। जो घर दिख रहे हैं वो है हल्द्वानी शहर। 3-4 पहाड़ियाँ ऊपर आ गया हूँ, और अभी 1-2 पहाड़ियाँ और निकालनी है, तो भीमताल पहुँच जाऊँगा। वो सामने हल्द्वानी है, और अभी टाइम हुआ है 8:40, देख सकते हैं आप। और अपनी बाइक रखी है,
4 किलोमीटर। रूल रेगुलेशन है आपके स्टेट में वो आप पालन करें, तो मैं उसी का पालन करते हुए अपने स्टेट के अंदर, जिले के अंदर, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के अंदर ही घूम रहा हूँ, और वो भी 1 बजे तक। इससे ज़्यादा मैं घूमूंगा नहीं। तो अभी ये राइड कर रहा हूँ और ये है भीमताल। ये भीमताल की पुलिस नाके पे, और ये देखिए ताल, नैनीताल, सॉरी भीमताल। ये मजे लीजिए इसके, क्या सुहाना मस्त लग रहा है। इस ताल के चारों तरफ रोड है इधर, ये यहाँ से दिखेगा भीमताल आपको सारा नज़ारा यहाँ से। और ये अभी लोहा घाट वाली रोड पे आ गया हूँ मैं। लोहा घाट का पहाड़ों का प्रोफाइल, भीमताल को दिखाता हूँ टॉप से। और अभी जिनके वहाँ मुझे जाना है उसके लिए मुझे यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। अब तक गाड़ी को यहीं रख देते हैं। और अभी भीमताल के उस रूट से मैंने दिखाया था आपको, और ये लेक, अब मैं इस रूट से जाता हूँ, यहाँ से आया था, और यहाँ से मैं एग्जिट हो रहा हूँ। अभी भीमताल वाला ताल जो लेक है, मैं यहाँ से अभी दिखाता हूँ आपको इस वाली रूट से, वहाँ से मैं आया था उस वाली रूट पे। और अब ये देखिए, यहाँ से देखिए लेक, क्या शानदार लेक है। ये जो यहाँ पे बना हुआ है कॉटेज, ये लेक के बीचों बीच है। ये देखिए कितना शानदार दिखता है। यहाँ से आप जाते हैं बोटिंग में। भीमताल, तो अभी चलते हैं यहाँ से अब वापस।